जब भी हम लाइट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे तो अपने को एक बेसिक साइन कन्वेंशन को फॉलो करना होगा, जिसके बाद ही हम कोई फॉर्मूले को अप्लाई कर पाएंगे। चलिए हम पहले साइन कन्वेंशन देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से कोई भी मिरर अपने को गिवन होगा। ये हमारे पास है मिरर, अभी आप देख सकते हैं ये हमारे पास कंकेव मिरर है। मे बी इसकी जगह पे कन्वेक्स मिरर भी हो सकता था, ये कन्वेक्स मिरर है। ये हमारे पास बच्चों ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। जो ऑब्जेक्ट है उसको हमने कहां रख रखा है, लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर पे। माय डियर स्टूडेंट्स, इससे जो लाइट जा रही है इस रे को बोलते हैं इंसिडेंट रे। कौन सी रे बोलते हैं, इंसिडेंट रे, क्योंकि ऑब्जेक्ट से जो लाइट बाहर निकलती है और किसी मिरर पे जाती है उसको बोलते हैं इंसिडेंट। इसके बाद जो रे जाती है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, अभी उसका यूज नहीं है, बस आपको ये समझ आ गया इंसिडेंट रे है। तो बच्चों ये आ गया हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, जो कि कहां है, लेफ्ट टू राइट। अपने को ये दो बातें समझ आ गई, कोई भी मिरर हो सकता है और ये हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, जैसे कि इस केस में भी ऑब्जेक्ट रखा। जरूरी नहीं कि इधर ही ऑब्जेक्ट रखें, हम दोनों साइड में किसी साइड भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। अब बच्चों आगे बात बढ़ती है, हमें इसको फॉलो करने के लिए, साइन कन्वेंशन को फॉलो करने के लिए सबसे पहला रूल ये देखना है कि सभी डिस्टेंसिस को पोल से मेजर करना। ये मैं आपको लिख देता हूं, आप भी नोट कर लेंगे नोटबुक पे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूल है। तो हमारे पास फर्स्ट रूल क्या है, ऑल डिस्टेंसिस शुड बी मेजर फ्रॉम द पोल, शुड बी मेजर फ्रॉम पोल। सारे के सारे जो डिस्टेंस है अपने कहां से मेजर करने हैं, पोल पे। फॉर एग्जाम्पल बच्चों, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था और इस ऑब्जेक्ट की ये इमेज बन गई, तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता करना है तो पोल से यहां तक आना। अगर मैं कह दूं इमेज का डिस्टेंस पता करना है तो मैं कहूंगा पोल से यहां तक जाना पड़ेगा। मान लो मुझे कहना कि इस पॉइंट पी का डिस्टेंस पता करना है, पी डैश का सॉरी, तो भी मुझे पोल से ही जाना पड़ेगा। किसी भी पॉइंट पे अगर डिस्टेंस पता करना हो तो अपने को कहां से पता करना पड़ेगा बच्चों, पोल से। तुम्हारे को समझ आ गया, ऑल डिस्टेंसिस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द पोल। ये हमारे पास फर्स्ट साइन कन्वेंशन है। अब सेकंड पॉइंट देखो बच्चों, जब भी पोल से हम इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जाएंगे, देखो इंसिडेंट रे कहां पे थी, ऐसे, अगर हम पोल से उसी साइड जाएंगे तो पॉजिटिव लेना है, अदरवाइज उससे अपोजिट आए तो हमने क्या लेना है, नेगेटिव। तो हमारे पास क्या पॉइंट आ गया, ये कि डिस्टेंसिस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। अब बच्चों इसका थर्ड रूल देखते हैं, अगर आपको नहीं समझ आई तो बात एक बार मैं दोबारा बताता हूं। इस ऑब्जेक्ट से जो फर्स्ट रे निकलेगी वो यहां जाएगी, तो पहली रे जिस डायरेक्शन में जाती है, ये ट्रिक समझ लो, पहली रे जिस डायरेक्शन में जाती है उस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं, तो पोल से सारे उस साइड के डिस्टेंस अपने को क्या लेने पड़ेंगे, पॉजिटिव। देखो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट पॉजिटिव डिस्टेंस लेते हैं, ये मैंने यहां लाइन में लिख दिया, डिस्टेंसिस इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज पॉजिटिव। और बच्चों जो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे होंगे, मतलब पोल से अगर यहां आना पड़ गया, मतलब मुझे ये ऑब्जेक्ट था इसको देखना कितनी दूरी पे पड़ा है पोल से, 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर कितनी दूरी पे पड़ा है, तो यहां से यहां जब आना हो तो अपने को डिस्टेंस क्या लेने हैं, नेगेटिव। तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों कि डिस्टेंसिस अगेंस्ट लिख लो या अपोजिट लिख लो एक ही बात है, डिस्टेंसिस अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे आर टेकन एज नेगेटिव। देखो यहां लिखा हुआ है अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे नेगेटिव डिस्टेंस लेने। फिर फोर्थ पॉइंट आता है बच्चों, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट या इमेज सीधी हो, इरेक्ट हो, तो इरेक्ट इमेज के लिए अपने को लेना होता है पॉजिटिव साइन। तो आप लिख लेना फॉर इरेक्ट इमेज टेक पॉजिटिव साइन। और अगर इमेज इन्वर्टेड हो, मान लो कि जो इमेज है वो इस तरह से यहां बन गई, इन्वर्टेड बन गई, तो अपने को क्या लेना होता है बच्चों, इन्वर्टेड के लिए नेगेटिव साइन। फॉर इन्वर्टेड इमेज टेक नेगेटिव साइन। माय डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बार आपको रिवाइज कराता हूं, जो भी फर्स्ट रे जिस डायरेक्शन में जा रही है,
अपने को उस डायरेक्शन के सारे डिस्टेंस पॉजिटिव ले रहे हैं, बाकी सारे नेगेटिव। अगर सीधी ऑब्जेक्ट पड़ा है, सीधी इमेज पड़ी है, तो उसको पॉजिटिव लो, अदरवाइज नेगेटिव। मैं एक एक करके आपको समझा रहा हूं बहुत धीमे धीमे से। देखो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट है अपने को सारे डिस्टेंसिस को पोल से मेजर करना है। गॉट इट? ऑल डिस्टेंसिस शुड बी मेजर फ्रॉम पोल। सेकेंड पॉइंट है इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जितने भी डिस्टेंस मेजर करो, मतलब पोल से जिस डायरेक्शन में लाइट आ रही थी, देखो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये थी, तो पोल से इस साइड वाले सारे डिस्टेंस क्या लेने हैं, पॉजिटिव। गॉट इट? सेकंड थर्ड पॉइंट है बच्चों, जो भी डिस्टेंस अपोजिट होंगे इंसिडेंट रे की डायरेक्शन के, इंसिडेंट रे की डायरेक्शन इस तरह से इधर से इधर है, तो जो अपोजिट जितने भी डिस्टेंस होंगे उसको अपने क्या लेना है, टेकन एज नेगेटिव। अगर इमेज जो है इस ये ऑब्जेक्ट था, इसकी इमेज हो सकता है बच्चों सीधी बने, हो सकता है इसकी इमेज इन्वर्टेड बने, अगर इरेक्ट इमेज बने तो टेक पॉजिटिव साइन। फिफ्थ पॉइंट है फॉर इन्वर्टेड इमेज टेक नेगेटिव साइन। अभी बच्चों ये इतने समझ नहीं आएंगे, जब हम इसको न्यूमेरिकल्स में यूज करेंगे तो ये और ज्यादा समझ आएंगे। अब बच्चों हम देख लेते हैं न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला क्या है। आप ये सब इतने में नोट कर लो, ये 5 पॉइंट्स आपको अच्छे से आने चाहिए, फिर इसकी बारी बारी जब हम प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये चीजें फिर आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, ऑटोमेटिक आपको समझ आ जाएगी। चलिए बच्चों एक बार ये रब करके फिर हम देखते हैं कौन सा फॉर्मूला अपने को यूज करना है। बच्चों देखिए, अब हमारे पास मिरर के लिए आता है मिरर फॉर्मूला। ऐसे ही जब हम चैप्टर करेंगे लेंस वाला रिफ्रैक्शन, तो उसमें आएगा लेंस फॉर्मूला। तो बच्चों मिरर फॉर्मूला क्या होता है, जब भी हम रेसिप्रोकल ऑफ इमेज का डिस्टेंस प्लस में रेसिप्रोकल ऑफ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस करते हैं तो आ जाता है रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, मतलब कि 1 बाय इमेज का डिस्टेंस प्लस 1 बाय ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस इज इक्वल टू 1 बाय फोकल लेंथ। इमेज के डिस्टेंस को वी से लिखते हैं, वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर, मिरर मतलब पोल। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है, यू, यू से लिखते हैं, यू इज डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। फोकल लेंथ को हम एफ से लिखते हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, मैं एक बार इसको फिर भी आपको समझा देता हूं। लेट बच्चों हमारे पास इस तरह से ये कोई भी एक मिरर बन गया। मान लो बच्चों कि ये हमारे पास ऑब्जेक्ट था और ये इसकी इमेज बन गई, तो पोल से यहां का जो डिस्टेंस होगा इसको बोलेंगे यू। ये यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और पोल से यहां का जो डिस्टेंस होगा उसको हम बोलेंगे वी। वी क्या बच्चों, डिस्टेंस ऑफ इमेज। तो ये हमारे पास जनरल फॉर्मूला बच्चों, इसको अच्छे से बहुत अच्छे से इसको लर्न कर लो बच्चों। इसके ऊपर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। चाहे किसी भी तरह का बच्चा हो, इंटेलिजेंट हो या कम इंटेलिजेंट हो, ये फॉर्मूला वो अच्छे से अप्लाई कर सकेगा और ये फ्री ऑफ कॉस्ट उसके पास मार्क्स है। एक तो ये फॉर्मूला, और अब आता है सेकेंड फॉर्मूला लीनियर मैग्निफिकेशन का। मैग्निफिकेशन क्या होता है बच्चों, कि कोई ऑब्जेक्ट कितना बड़ा हो गया उसकी इमेज कितनी बड़ी होगी, इसको एम से लिखते हैं। ये होता है हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या माइनस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अपॉन, सॉरी इमेज का डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ये फॉर्मूला हम याद कर लेंगे। कई बच्चे अभी ये समझे नहीं कि मैग्निफिकेशन का क्या मतलब है, मैं उनको बताना चाह रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट्स, ये देखो, अगर मान लो कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट था, ये था 2 मीटर का, समझ आ रही है? अगर इसकी इमेज बन गई मान लो 6 मीटर की, 6 मीटर बड़ी इमेज बन गई, तो मैं कहूं कितने गुना बड़ी इमेज बनी है, तो आपको 3 टाइम, तो आपने कैसे निकाला है, 6/3 करके, सॉरी 6/2 करके, कितना आ गया 3। दोबारा समझो बच्चों, अगर ऑब्जेक्ट था वो 2 मीटर का था, जो इमेज है वो 6 मीटर की है, तो आप मुझे बताइए कितने गुना ये इमेज बड़ी बनी है इसके कंपैरिजन में, तो आपको होगा सर 3 गुना, 3 टाइम। वाई? क्योंकि ये देखो 2 था, इसका 3 गुना करेंगे, 3 टाइम करेंगे तो 6 आएगा। तो मैग्निफिकेशन यही बताता है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है वो उसकी जो इमेज है वो कितने टाइम बन रही है। तभी आपने देखो जब 6/2 किया तो क्या आया था 3, ये 6 क्या था, हाइट ऑफ इमेज, और ये 3 क्या है, हाइट, 2 क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये 3 क्या है भाई, कितने टाइम मैग्नीफाई होगी। मैग्नीफाई को हिंदी में बोलते हैं कि कितना अनुपात बढ़ गया। तो इसीलिए लीनियर मैग्निफिकेशन का पूरा फॉर्मूला, पूरा ये क्या बनेगा, हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और बच्चों ज्योमेट्री से हम ये भी प्रूव कर सकते हैं, बट अपने को इस अपने सिलेबस में अपने को लर्न करना है कि इसको वी बाय यू भी बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लो, द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज लीनियर मैग्निफिकेशन। बच्चों मैं यहां तक एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। हमने सबसे पहले साइन कन्वेंशन देखी, उसके बाद हमने मिरर फॉर्मूला देखा जो कि था 1/v + 1/u = 1/f। फिर हमने मैग्निफिकेशन देखी, लीनियर का मतलब कि हम लेंथ में देखेंगे, कभी एरिया वाइज भी देखेंगे, वो हायर क्लासेस में आएगा। एरिया वाइज भी हो सकता है बच्चों,
मैं एक बार एरिया का एग्जांपल आपको देता हूं। मान लो कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट था, बीच में मैंने प्रोजेक्टर लगा रखा है, इसकी शीट से जो सामने जो यही ऑब्जेक्ट है वो बहुत बड़ा बन रहा है, तो इसमें एरिया बढ़ गया। तो ये इस तरह की मैग्निफिकेशन अपने को अभी टेंथ में नहीं करनी, अपने को बस सीधी सीधी लाइन वाली करनी है कि ऑब्जेक्ट 2 मीटर का था, 6 मीटर का हो गया, 10 मीटर का हो गया, इस तरह से। तो लीनियर मैग्निफिकेशन का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है बच्चों, एम इज इक्वल टू एच आई बाय एच ओ, यही होता है, माइनस वी बाय यू। तो ये टू फॉर्मूला, एक तो लीनियर मैग्निफिकेशन और मिरर फॉर्मूला।